और मंचासीन मेरे साथी डॉक्टर प्रसेनजीत एंड डॉक्टर शफी और सभी बंधु जो हॉल में मौजूद हैं, उन सबको मेरा अभिवादन। जब इंसान बहुत ही अभिभूत होता है भावनाओं से तो अपनी भाषा में बात करता है, तो मैं आपसे हिंदी में ही बात करना चाहूँगा। उम्मीद है आप सब इसको सहयोग करेंगे मैं सर, या मैं इंग्लिश में ही बात करूँ? हिंदी में सर, साधु हिंदी में। बट आई एम हियर मोर टू टॉक अबाउट द होल प्लेस बिकॉज द टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ कल्चर टूरिज्म इन एंड अराउंड शांति निकेतन एंड बीरभूम। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिपेयर टेक्स्ट, इट इज फ्रॉम द हार्ट, दैट्स व्हाई द लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड हिंदी। और कहते हैं ये लास्ट ईयर जब मैं आया था तो मुझे टॉपिक दिया गया था टूरिज्म इंडस्ट्री में डिस्पेरिटी ऑफ जेंडर इन टूरिज्म इंडस्ट्री, बट दिस टाइम आई वॉज टोल्ड कि यू कैन स्पीक एनीथिंग, जिसमें भी आप कंफर्ट महसूस करें। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे आया हूँ तो पहले मैं चीज़ों को समझूँ, देखूँ और महसूस करूँ, उसके ऊपर ही अपनी बातें कह सकूँ। तो मेरे दो दिन का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने आपके साथ बांटना चाहता हूँ। सर, और इस काम में जो मुझे सहयोग दिया है वो मेरे साथ FCI दुर्गापुर के फैकल्टी सरल एंड सप्तर्षि। तो सरल प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर द प्रेजेंटेशन विच यू प्रिपेयर्ड फॉर मी, क्योंकि जहां तक एज अ सरल इफ यू आर इन द हॉल प्लीज। मेरे दो दिन का जो एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं एज ए टूरिज्म कहीं भी जाता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर द कल्चर ऑफ द प्लेस, और बिकॉज कल्चर इज पार्ट ऑफ द टूरिज्म। राधा निकेतन, शांति निकेतन, 9th-10th में पढ़ता था तब मैंने गीतांजलि पढ़ी थी, और बचपन में ही शरद चंद्र की नॉवेल, बंकिम चंद्र की नॉवेल यूपी में कहते हैं हर रेलवे प्लेटफॉर्म पे मिलती थी, ट्रेन में चलते हुए पढ़ते थे। तो एक इमेज क्रिएट किए हुए थे कि हम जब शांति निकेतन जाएंगे तो ऐसा होगा, वहाँ पे पेड़ों के नीचे क्लास लग रही होंगी, आश्रम का माहौल होगा। व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। सो इट वॉज अ मेजर शॉक टू मी, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेस हम एक इमेज क्रिएट करते हैं, वो इमेज जितनी चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से क्रिएट की जाती है, और यहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो मैं सोचा कि चलो मैं बात करूं, चूंकि मेरी फील्ड क्विजीन की है, खाने की है, तो लोगों से कि क्या स्पेशलिटी है इस जगह की। आई वेंट टू द मार्केट, आई सर्च द मार्केट, मुझे कहीं पे कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं दिखाई गई या बोला गया, या कोई मुझे ऐसा आउटलेट ही नहीं दिखा जहाँ पे मैं कहूँ कि ये टिपिकल बंगाली आउटलेट है, यहाँ पे बैठ के मैं इस प्लेस को, इस कल्चर को महसूस कर सकता हूँ। तो मे बी आई एम साउंडिंग वेरी निगेटिव, मैं आपको बहुत ही नकारात्मक भाव में देख रहा हूँ, लेकिन नकारात्मकता नहीं है, ये एक फीडबैक है, एक संबोधन है कि हम इसके लिए, हर चीज़ के लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। अगर हम नहीं खाते हैं तो वो बेचेगा नहीं, तो इट इज़ अ सर्कल विच गोज ऑन। दो दिन में मैंने कम से कम 10 बार पौष मेला का नाम सुना कि पौष मेला होता है, पौष मेला होता है, बहुत लोग आते हैं, पार्किंग प्रॉब्लम हो जाती है। पर अगेन इफ आई लुक अराउंड द शांति निकेतन, मुझे कहीं भी ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं दिखा कि वो पौष मेला के क्राउड को सपोर्ट करता हो, न तो पब्लिक कन्वीनियंस, न तो रोड, न तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं काम फोकस करते हैं सिर्फ क्विजीन पे, और इसलिए कि क्विजीन आज की डेट में अपने आप में एक टूरिज्म हो गया है, और लोग दूर दूर खाने, लाइक वेन एवर आई टेक नेम हैदराबाद, पीपल रिलेट विथ बिरयानी, नोबडी टॉक अबाउट गोलकुंडा फोर्ट, नोबडी टॉक अबाउट चार मीनार, दे हैदराबाद मीन्स बिरयानी। सो दैट इज प्लेस, वेन वी से टॉक अबाउट तमिलनाडु, इमिडिएटली डोसा इडली बड़ा ऑटो। 10 साल कश्मीर में रहा, मुझे बंगाल में 1 साल हुआ है, तो जब भी कोई टूरिस्ट श्रीनगर आता था वो मेरे से पहला सवाल यही पूछता था
या इफ आई एम अलर्ट कि अच्छा वाजवान कहाँ मिलेगा. एंड दैट इज द पार्ट. फूड इज अ टूरिज्म प्रोडक्ट. एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि व्हेन आई केम टू शांतिनिकेतन, मैं एपिक चैनल पे एक सीरियल आता है लॉस्ट रेसिपीज, उसको देख रहा था. तो उसमें एक दिन वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का फेवरेट डिशेस के ऊपर एक एपिसोड कर रहे थे, मैंने उसको देखा. लेकिन यहाँ पे आके मुझे कहीं ऐसा कुछ भी नहीं दिखा. सो दैट इज माय फीडबैक. और जहाँ पे हम इसकी बात करते हैं फूड टूरिज्म की, तो जो भावनाएं हैं वो लिखी हुई हैं कि कॉमन टूरिस्ट होता है वो शहर में आता है तो वो जहाँ भी जाता है बेसिकली वो स्ट्रीट फूड और लोकल फूड को ढूंढता है और वो नहीं मिलता है. डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज इन जामिया यूनिवर्सिटी, अगेन द टॉपिक वॉज ऑन रूरल टूरिज्म. एंड हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमें हिल का खाना कहीं नहीं मिलता, हर जगह मैगी पॉइंट जरूर मिल जाता है. किसी भी हिल स्टेशन पे जाइए, कोने में एक मैगी पॉइंट, नेस्ले की कॉफी रखी होगी, एंड पीपल आर ईटिंग बिकॉज टूरिस्ट बिहेवियर इज सच, उन्हें जल्दी से कुछ गरम गरम चाहिए हिल में. सो मैगी पॉइंट्स 2 मिनट्स हॉट एंड इट इज प्रोवाइडेड. बट लोकल उत्तराखंड या हिमाचल फूड is not available. So it is a phenomena. It is not happening only in Shantiniketan place. Rather, we are missing our cultural food all over tourist places because of the tourist behavior. We are trying not to preserve our culture as a tourism product. We are trying to facilitate and service to the tourists as per their need. So that is the basic distinction where we are losing on our culture. So when the topic is culture and tourism, we have to be very, very cautious about preserving our culture. As sir was showing one slide in which a lady was in the temple in shorts. I was last week I was in Bali. If I had to visit any temple in the Bali, there was a stall where I have to take a sarong, I have to wear it, then only I can enter in the temple. So these facilities can be created. And for that, temple management can think of and doing it. That is why I say everything we look for, government will do, then things will not, because tourism is our product, our lifestyle, and we are selling it to be self-sufficient and entrepreneur, developing our own entrepreneurial skills. So if I talk about cuisine has many part, and that's why I said tourism, because if a part of festival, in Bengal, Durga Puja is a tourism product. From different places, people are coming to look at the pandals of Durga Puja. And in each pandal, there is a different kind of food is being served as prasad or bhog, what is there. But it is part of the festival. But still, when I see during Durga Puja, people are throwing over the restaurants, they are going to the restaurants and eating all different kind of food. But the puja pandal food, only the devotees or the interested, they are eating and it is not being promoted. That is what my observation is. Again, as I said, Vazwan, Hyderabad, so part of culture, because the serving of food is also part of the culture, which is amazing. Maybe it is mixing part of different religion. Whenever we go in any place, for example, Murshidabad to Kolkata, the food is different, culture is different. So food, reason I made the image ki yahan pe jab hum aayenge to aisa hoga, ye milega, patthar mein khayenge, ashram ka hoga, aisa kahin kuch. Koi stall bhi mujhe nahi dikha, koi restaurant bhi mujhe nahi dikha. So as a part of pride, ki ye hamara khana hai. Bihar ke log kahin bhi jayen, litti chokha unka khana hai. हैदराबादी कहीं भी जाए वो बिरयानी खाने ये कहेगा वो वाला स्वाद नहीं है. सो वो जो प्राइड फीलिंग है फूड के साथ अटैच है, वो टूरिज्म के साथ अटैच है. हम बहुत शौक से कहते हैं कि हमारे यहाँ का खाना है, वो भी थोड़ा सा प्रमोट करने की ज़रूरत है. और तो एक लोकल एसेंस, लोकल फ्लेवर, आप कहीं भी जाते हैं. अगेन मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ सांभर का. सांभर केरला का सांभर से लेकर के कर्नाटका के सांभर तक वेरिएशन आ जाते हैं. मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत से होटल मैनेजमेंट के बच्चों को देख रहा हूँ, टूरिज्म के बच्चों को देख रहा हूँ, जो कि
जगह जगह टहलते रहते हैं, तो ये आपके लिए है कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसके लिए ध्यान, डिस्टिंक्शन, फ्लेवर, तो इट इज अ प्लेस कि ये हमारे यहाँ का है. दैट इज द प्राइड विच वी सेल टू द टूरिस्ट. When I take some tourist to some spot, I say ये हमारा यहाँ का बनाया हुआ है. When I take tourist to the mountain temple in Srinagar, I say this is the first sun temple made by Chandragupta Maurya dynasty in 724 BC, and this is the first temple after this the Konark was made. So accordingly, people try to look at the things, and the sun is known by the mountain because of that place. So this is how we promote tourism, because we feel pride and we feel about this. So when we talk about culture again, tourism again, these are the elements I feel in cultural tourism it must be. That is literature and performing arts. So in sense of Shantiniketan, we have literature and performing arts. But when I'm coming as a tourist, I have no opportunity to see any performing arts here. Until unless it is arranged for us as a delegates, that is separate issue. But if we can make a 3 days of 2 days itinerary, that person comes from Kolkata, he after breakfast have lunch here, look at the museum and other sightseeing. Evening the College of Performing Arts of Shantiniketan can do 2 hours a show, or maybe light and sound show, maybe performing show, and then some literature argument. And then next day after breakfast, he can go towards Tarapit and all. So the package can be created in which the performing arts and theatre can be included. Then food, I already talked about. Again, I heard a lot about ki in Shantiniketan, people are in more in kurta pajama and Shantiniketan sari, batiks, but I haven't seen, except the volunteers, those who are working on the stage, I haven't seen that kind of. So I feel somewhere we are losing on those traditions and those cultures. Handicraft is certainly, yes. Architecture, yes, but again, as an ashram, the old school of teaching and training should be preserved. That is the part of the culture which associated with the name for which the Shantiniketan was famous. So when I talk again, India is a yummy country, and since we are very specific, on this, and why I am bringing a food festival as a harmony, because food festivals are associated with festivals, and our country is known for its festivals. If I talk about Kashmir, so again heaven on earth, but the main festival is Eid. It is full of food. Wazwan, 35 non-main mutton dishes are being served in one go. So that is from where we come to Kerala. It is God's own country. Again, when we talk, it is the spice ball also related with the food. And then we come, last is West Bengal. It is sweetest truth, sweetest part of India. So I am in the part of India which is famous for its sweets. Or itni cheeze hai, lekin again, Shantiniketan should have ki, okay, this is the Tagore's, because Tagore is the tourism personality in which Shantiniketan is created as a product. So that is what I think. And then if I talk about North Indian, I try to show you okay, how the food is related with our tourism. Because whenever we talk about Amritsar, Amritsar, everybody talks of Gurdwara ka langar. कि उसमें जरूर खाना. इट इज नॉट दैट फूड विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, इट इज द एम्बियंस ऑफ स्वर्ण मंदिर एंड प्रसाद दैट इज बिकम. That serves vegetarian meals to everyone visiting the Gurdwara. The idea is to invite people to sit together and enjoy a meal without any discrimination of caste, creed, race or sex.
I was showing you the Gurdwara of Punjab in North and then the Kashmir Wazwan. That is total vegetarian flavor and here it is totally non-vegetarian flavor. So both are the tourism products. Whenever Punjab Chanda promote tourism, they suddenly go for Swarn Mandir and the Langa. And then Kashmir is in In Northern India to Western India, again I'll talk just on the slides places. Okay, so we are moving towards the south. Basic purpose to showing you the clips that these food is being promoted as tourism product at different by different state governments, but West Bengal government or never promoted food as a part of the tourism. That is one of the elements which certainly कहते हैं एक्सेप्ट रसगुल्ला और माचे जो दो व्हेन आई केम हियर सो कहते हैं जमाई षष्ठी है तो एलिश माच बनना जरूरी है टाइप्स चीजें मुझे यहाँ पे आके पता चली सीधे आप ईस्ट पे आ जाते हैं आई थिंक ऑल द ऑडियंस कैन रिलेट विद दीस डिशेस एंड माय होप इज दैट वी शुड प्रमोट इट एज डेस्टिनेशन कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा लगता है लेट्स गो So the whole purpose to show that when I am in Shanti Niketan, I would certainly like to try, like I was in Pondicherry and in Aravind Ashram, I was trying to find out what is liked by Aravindo and what is the product. And in Aravind Ashram, they made a special restaurant where people can go and taste. So something as a tourism product, tourism destination, these things can be diverted since the time is over and lunch is going to start. So I think my slides will certainly mouth-watering to you people to enjoy your food. With this, I say thank you all. Thank you. Thank you, Doctor, for your beautiful.